हे गाइस, देखो टेस्ला टेस्ला जो लगभग एलन मस्क की सबसे बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलने लगा, लगभग पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी वही है। इलेक्ट्रिक मतलब ई व्हीकल्स बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में सबसे बड़ी कंपनी वही है। और लगभग देखोगे तो वो भारत में आने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए सरकार ने उसको मंजूरी भी दे रखा है। और सरकार खुद ही बोल रही है, मतलब सरकार है बोल रही है कि लगभग जो टेस्ला है उसको भारत आना चाहिए और यहाँ पर उनको अपना काम करना चाहिए। इससे होगा क्या, देखो मैं आपको बोलूँगा, इससे लगभग जो भारत में लगभग एडवांस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगा, इनोवेशन आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग कम प्राइस में अच्छे अच्छे चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा प्रोडक्ट। जैसे कि देख लो, अगर टेस्ला भारत देश में नहीं आता तो इसे होगा क्या कि जैसे जैसे आप जैसे मतलब आपके पास जो देखने को मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे अगर ये एडवांस टेक्नोलॉजी आती है तो सामने में क्या होता है ना, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो सामने वाला भी कोशिश करेगा कि लगभग आपको अच्छा प्रोडक्ट और कम से कम प्राइस में आपको दिया जाए। और जब ये बाहर से आएगा तो मैं आपको बोलूँगा, टेस्ला जब बाहर से आएगा हमारे देश में, भाई सोचो हमारे देश में भी तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है ना, है कि नहीं। फिर भी टेस्ला आ रहा क्योंकि इसको पता है कि भाई मैं ना कहीं पर भी अपना मार्केट जो है कैप्चर कर सकता हूँ, इनको पता है। इस वजह से ये लगभग चार्जिंग स्टेशन के लिए अब भारत देश में आने वाले हैं, चार्जिंग स्टेशन के लिए। इनका चार्जिंग स्टेशन भी बहुत पावरफुल और एडवांस होता है, लगभग सबसे ज्यादा एडवांस यही है। और इससे आगे मतलब है नहीं अभी तक, अब आगे आने वाले दिनों में हो जाए वो बात अलग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो इनकी जहाँ पर भी ये चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी देखने को मिलेगा। इससे होता है क्या कि लगभग एज अ मान लीजिए कि आपको एक टाइम पास मिल जाता है कि 15 मिनट्स में आपका फुल चार्ज भी हो जाएगा। और 15 मिनट्स में तो लगभग भाई आप जाओगे वॉशरूम वगैरह या फिर आप कुछ खाओगे, टी कॉफ़ी वगैरह कुछ भी, तो आपका उधर भी टाइम हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो आप लगभग होगा यहाँ पर क्या होगा कि आपका काम भी हो जाएगा और आपको थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिलेगा। तो ये है टेस्ला, देख सकते हो टेस्ला का शेयर का प्राइस, ये लगभग जो है 8 o'clock के आसपास ट्रेड होता है लगभग। अब देखते हैं पिछले 5 सालों में, तो पिछले 5 सालों में ये कंपनी ने लगभग 2,396 मतलब 2,400% का, मतलब देख सकते हो तो 2,500% का रिटर्न निकाल के दिया है। और लगभग सेकेंड लार्जेस्ट ये देखने को मिल जाएगा आपको, सेकेंड लार्जेस्ट। अभी देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो आप टेस्ला का शेयर भी खरीद सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ सबसे बड़ी चीज़, कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ, आगे बताऊंगा, लेकिन एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखो आप लोग सोचते हैं कि भाई कैसे हम टेस्ला का शेयर खरीद सकते हैं, पॉसिबल तो है नहीं। मैं आपको बोलूंगा, देखो आईएनडी देखो मनी एक ऐप है, जैसे कि जीरोधा आप यूज़ करते हो भारत देश में, ये इंटरनेशनल मार्केट का है। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ, यहाँ पर देख सकते हो US स्टॉक्स है, यह म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताया जरा। यहाँ पर लगभग आप सारे स्टॉक्स खरीद सकते हो US के। अब लोग सोचेंगे कि भाई वहाँ के स्टॉक तो महंगे भी होते हैं ना, हम कैसे खरीदेंगे। देखो मैं आपको बोल दूँ कि अब जैसे मान लेते हैं $3,000 का आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब लाखों रुपये में इनको हो जाएंगे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख का शेयर है, एक क्वांटिटी आएगा तो भाई इतना कौन खरीदेगा, इतना तो पैसा हमारे पास है ही नहीं है। और एक शेयर खरीदने में भाई इतना तो तकलीफ हो जाएगी। तो मैं आपको बोलूँगा ऐसा नहीं है, आप फ्रैक्शन वाइज खरीद सकते हो। मतलब मान लीजिए एक शेयर का प्राइस है इंडियन रुपीज़ में, मान लीजिए 1 लाख रुपये का, तो आप उसमें 10,000 रुपीज़ भी लगा सकते हो, आप उतनी छोटी ही हिस्सेदारी ले सकते हो फ्रैक्शन में। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। शेयर का प्राइस है मान लेते हैं कि इंडियन प्राइस में 1 लाख रुपये के आसपास है, तो ज़रूरी नहीं आपको एक पूरा ही लेना, आप उसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हो। लेकिन ये चीज़ इंडिया में अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लगभग 5,000 रुपीज़, 100 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़, आप लगभग छोटे मतलब 100 रुपये, 200, 500 रुपये भी आप लगा सकते हो। तो ये तो हो गया बात क्लियर। यहाँ पर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप टेस्ला का शेयर चाहो तो खरीद सकते हैं, और लगभग कौन सा ऐप आपको यूज़ करना है। और ये भी परेशानी नहीं है, मैं आपको जैसे कि आपका 1 लाख रुपये का शेयर है तो ज़रूरी नहीं कि 1 लाख रुपये आपको देख कर खरीदना है। जैसे मान लेते हैं कि एक शेयर का प्राइस मान लीजिए 400 रुपीज़ है भारत देश में, तो आपको 400 रुपीज़ देना ही पड़ेगा वो शेयर को खरीदने के लिए। आप उस शेयर एक शेयर का प्राइस है 400, तो आप चाहो तो हाफ़ भी खरीद सकते हो, हाफ़ 200 में, लेकिन भारत में ये नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो खबर आई है, क्या बताया जा रहा, टेस्ला पावर USA में बताया जा रहा, प्लान टू इंट्रोड्यूस यहाँ पर 5,000 EV चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इंडिया बाई 2025। तो लगभग जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग्स वगैरह है वो 5,000 के आसपास जो है वो लगभग 2025 में ये पूरे भारत देश में चार्जिंग स्टेशन ला देंगे। और यहाँ पर देखोगे तो लगभग जो यहाँ पर जो हायर मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ पर बता रखा है, और लगभग ऑफिशियल खबर आई है यहाँ पर चारों तरफ से, जहाँ पर आपको बताया जा रहा, देख सकते हैं वन ऑफ द इंडियंस फास्टेस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ऑफ बैटरीज, लगभग टेस्ला पावर USA प्लान टू इंस्टॉल 5,000 टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस द इंडिया यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर कंपनी ने एक और ऑप्शन दिया है कि कंपनी ने यहाँ पर बताया, द कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस द रेंट ए बैटरी ऑप्शन। देखो होता क्या कि अगर आप जब भी इलेक्ट्रिक या कार वगैरह खरीदते हो, इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह खरीदते हो, देखो यहाँ पर बताया गया, मैं आपको पहले स्टोरी बता देता हूँ ये क्या है जो दूसरा लाइन लिखा गया। देखो इस लाइन में ये बताया गया कि सपोज़ मान लेते हैं कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदते हो तो उसका उसका प्राइस कितना पड़ता है आपको, 1 लाख रुपये, सही है। तो वहाँ पर बताया गया कि भाई देखो
आप ना आप ये दोनों चीज़ों को अलग अलग खरीद सकते हो, बैटरी को भी अलग खरीद सकते हो अपने रेंज के हिसाब से। अब मान लीजिए आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे ऐसा बैटरी चाहिए जो लगभग मान लीजिए कि एक बार चार्ज होने के बाद 300 किलोमीटर का रेंज दे, या फिर मुझे ऐसा बैटरी चाहिए जो लगभग 500 किलोमीटर का रेंज दे, या फिर मतलब जितना आपको चाहिए आप अपने हिसाब से। सही है, अब कैसे होता है मोबाइल का पैक वगैरह, अगर आप चाहो तो लगभग 200, 300, 500, 600, 1000, 2000, मतलब अपने हिसाब से आप पैकेज वगैरह भरा सकते हो। उसी तरीके से बैटरी वगैरह यहाँ पर कर दिया गया, तो आप स्कूटी अलग से ले सकते हो, बैटरी आप अलग से ले सकते हो, तो ये दोनों का प्राइस अलग रहेगा। अगर आपके पास स्कूटी है तो अच्छी चीज़ है, हम बैटरी देंगे आपको, अगर आपके पास वो है तो हम आपको ये देंगे, इनका कहना ये है। और उसका रेंज भी अलग अलग रखेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब आपको जितने हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, समझ लो। तो दोनों अलग अलग रहेगा। तो सबसे मतलब पहली बार टेस्ला ने ही ऐसी चीज़ जो है फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड किया है, क्योंकि देखो आप जब मोबाइल खरीदते हो ना तो उसके अंदर का जो सब जितना भी मैं आपको फीचर्स दे दिया जाए, लेकिन बैटरी का ही ज़्यादा ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा वैल्यू होता है। अगर आपका बैटरी डाउन हो जाएगा ना, अगर आपका बैटरी डाउन हो गया तो मोबाइल के सारे फीचर्स काम करना बंद कर देंगे। उसी तरीके से आपने कितना महंगा भी स्कूटी खरीद लिया हो, जैसे अभी भारत देश में चल रहा है टू व्हीलर आपने खरीद लिया कितना भी महंगा, लेकिन जब बैटरी डाउन हो जाएगा ना तो लगभग भाई कोई काम का नहीं रहेगा वो, है कि नहीं। भले ही लाइट जले या ना जले, मैं आपको बोलूँगा कुछ हो या ना हो, लेकिन भाई बैटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें। तो इस हिसाब से टेस्ला ने सोचा कि भारत में जब मार्केट को कैप्चर करना है, ज़्यादा शेयर रखना है भाई अपने पास, तो वो क्या करेगा कि कुछ न्यू यहाँ पर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में और भी बहुत सारे कंपनी हैं, वो भी इसी तरीके से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और 50% से भी कम में ये लगभग यहाँ पर सारे प्रोडक्ट अपना प्रोवाइड करेंगे, इन्होंने लगभग सारी चीज़ें बता रखा है यहाँ पर। तो मैं आपको बोलूँगा देखो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है भारत देश के लिए, इस वजह से मैं आपको बोलूँगा नितिन गडकरी जी और लगभग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, और उन्होंने बहुत पहले से भी लगभग परमिशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट है, अगर आप स्कूटी वगैरह या टू व्हीलर मान लेते हैं, तो इसका लगभग आपको प्राइस हाफ हो जाएगा, और लगभग जो भी प्रोडक्ट वगैरह रहेगा वो थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। तो मैं आपको बोलूँगा एक बार आप ध्यान दो, आपको कैसा लगता है टेस्ला ब्रांड, आपको कैसा लगता है, और लास्ट टाइम हुआ क्या था कि लास्ट टाइम लगभग मैं आपको बोलूँगा टाटा ग्रुप ने बताया था कि लगभग भाई हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे इनके साथ हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि हम केवल जो है इंडियन ब्रांड को ही आगे बढ़ाएंगे। तो टेस्ला को सरकार ने मंजूरी दे ही दी लास्ट में, मैं आपको बोलूँगा टाटा ग्रुप का कौन सुनेगा भाई यहाँ पर, सरकार ने नहीं सुना फाइनली वहाँ पर। इनका चार्जिंग स्टेशन भी थोड़ा एडवांस लेवल होगा जो लगभग फास्ट चार्ज करेगा, और कम से कम समय में लगभग आपको ज़्यादा रेंज देने वाला बैटरी भी देगा यहाँ पर। तो मैं आपको बोलूँगा एक बार ध्यान दो, और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट इंजन में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, और जो चार्जेस वगैरह है बहुत छोटे लगते हैं भाई। डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।